अस्सलाम वालेकुम, सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, लेट्स स्टार्ट इट। जी तो सुबह की शुरुआत हुई, पहले तो ये चीज़ आप कह रहे होंगे सुबह सुबह क्या दिखा रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं आज वाटर पार्क। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले फजर की नमाज अदा की, इसके बाद हम चाय बनाने चले गए। सारा सामान पैक हुआ पड़ा है, बस हम जाने के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टॉप लिया पेट्रोल पंप पे और सदका निकाला, अपना पेट्रोल फुल करवाया है, देन हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। अब देखते हैं कुछ रास्ते के प्यारे प्यारे शॉट, ब्यूटी ऑफ कराची, लेट्स सी। देखें ये बहुत ही प्यारा हमारा कराची की व्यूज़ है। वैसे ही सबको ही लॉन्ग ड्राइव पसंद होती है, मोस्टली हर किसी को पसंद होती है, तो ये हैं प्यारे प्यारे से हमारे कराची के शॉट। हम जब गए थे तो वेदर बहुत प्यारा था, तो अब देखते हैं थोड़े से वेदर के शॉट्स। फाइनली हमें बहुत दूर से नजर आ गया फीस्टा का लोगो, सो स्टे ट्यून्ड, अब हम थोड़ी सी ही देर में फीस्टा पहुंचने वाले हैं। फीस्टा का गेट आ चुका है, अंदर पार्किंग है, जैसे ही पार्किंग क्रॉस करेंगे हम आ जाएंगे फीस्टा में। और ये हमारी टिकट्स आ चुकी हैं। ये यहाँ का पार्क है, पहले स्टार्ट होता है और यहाँ स्विंग्स है। मेरी फैमिली के सारे बच्चे बड़े बड़े सारे घुस गए हैं स्विंग्स लेने के लिए, और ये ग्रीनरी वगैरह मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो वहाँ इंजॉय कर रही हैं। और ये मेरी सिस्टर्स वगैरह यहाँ पर स्विंग्स ले रहे हैं। सो अब ये लोग लेने रुक गए हैं मोबाइल बैग, मैं तो अपना ऑलरेडी लेके आई हूँ, अब ये लोग अपना मोबाइल बैग बाय कर रहे हैं। मेरे पास तो मेरा है, यहाँ से मिल जाता है आपको, और इतनी ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है, रिजनेबल है। यहाँ प्राइसेस लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ट्यूब 1000 रुपये हैं, बाकी लार्ज मीडियम के अलग अलग प्राइस हैं। और फिर डक वाला भी है, बेबी जैकेट भी है, गूगल्स भी हैं, और मोबाइल पाउच है जो ये लोग लेने गए। तो अब हम एंटर हो चुके हैं गेट के अंदर, यानी अब आया है असल गेट, वो तो जस्ट टिकट काउंटर वगैरह था। और यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेट फीस्टा, फीस्टा का लोगो है ये। और अब आ गया है फीस्टा, अभी बंद है, हम थोड़ा वेट करेंगे फिर आएंगे। वहाँ पे हमारी फैमिली की फ़ोटो शूट चल रही है, कैमरा वगैरह वो सब साथ लेके आए हैं। कैफेटेरिया वगैरह है वहाँ, देखिए वो जो स्लाइड है उसमें मैंने जाना है। ये सब पे व्लॉगर्स के लिए उन्होंने प्राइस भी रखा हुआ है। अब मैं तो इतनी बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग इस चैनल पे। पहले मैं व्लॉगिंग करती थी, फिर मैंने छोड़ दी थी, लेकिन मुझे सब ने बहुत फोर्स किया, नहीं आप व्लॉग करें करें करें, सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। जी तो यहाँ सारे हट्स बने हुए हैं ताकि फैमिली के लिए सिटिंग है, यहाँ पे सामने पूल भी है, और ये वाला हट हमारा है। अब मैं जा रही हूँ पूल में, पहले लेट्स सी कौन सा गर्ल्स का है कौन सा बॉयज़ का है, चले अकेली में बॉयज़ में घुस जाऊँ। ये रहा, ये स्लाइड मैंने जाना है, बुलाती मैं लीजिए नेरा को, फिर हम कोई नहीं है तो पहले यहाँ चलते। ओके, ये है लेडीज़ और चिल्ड्रन का पूल, यहाँ पे कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं है, इवन बार गार्ड्स बैठे हैं वो आपको फ़ौरन ही रोक लेते हैं। ये बहुत छोटा सा है, बच्चों के लिए है, और जो लेडीज़ अपने बेबीज़ को लेके बैठती हैं वो है। सबसे पहले मैं यहाँ छोटी सी स्लाइड लेने आ गई हूँ, और ये बहुत ही छोटी सी थी कि मैं जैसे ही पानी के अंदर गई तो बिल्कुल ही अंदर ज़मीन पर ही चली गई, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पुल है। अगर आपको जाना है तो इधर आप ना आ जाएँ, क्योंकि बिल्कुल छोटे से बच्चों का, देखिए मेरे पाँव वाँव सब नज़र आ रही है, बहुत छोटा सा है। इसके बाद हम तीनों बड़ी बड़ी स्लाइड लेने बैठ गए हैं, और अब हम सब एक साथ गए और ये रुक गई हमारे साथ, हुआ मोए मोए, और हम गए सीधा पानी के अंदर। और इस वाली साइड पर मुझे जाना था, और यहाँ आगे आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ। तो अब हम जा रहे हैं वेव पूल में, ये देखें इधर सब कुछ लेबल लगा हुआ है कौन सा क्या है, और मैं जा रही हूँ वेव पूल में, इतने सारे लोग जा रहे हैं।
फाइनली इस पैकअप हमने अपना पूरा हट साफ कर लिया है। अभी लोग पैकअप कर रहे हैं, सब लोग उस तरह से हमने पैकअप कर लिया है। सारे पूल्स राइड्स वगैरह सब बंद हो गए हैं। अब ये मेरी फैमिली है जो कि जा रही है घर। हमारा सामान आगे ट्रॉली में चला गया है, अब हम भी जा रहे हैं। ये देखें, अब बिल्कुल ही सन्नाटा हो चुका है। आज वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, आपने कुछ ना कुछ क्लिप देखे ही होंगे। तो ये देखें, अब बिल्कुल रैप अप हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया। ये चीज़ जो है ना, लव हो गया है। ईस्टा से निकल कर हम जाने लगे और रास्ते में हमारी फैमिली को नज़र आ गया रेस्टोरेंट, वहाँ रुक गए चाय पीने के लिए। अब सब रुक गए हैं चाय पीने के लिए अलजद्दा होटल पे, और चाय वगैरह सब पी रहे हैं। और अंकल को भूख लग गई तो अंकल ढाबे की स्पेशल दाल रोटी खाने बैठ गए हैं। पुलाव और चिकन कढ़ाई, नहीं आई मीन चिकन तंदूरी छोड़ के वो ढाबे की रोटी दाल रोटी खाने बैठ। यहाँ होता है व्लॉग एंड, क्योंकि इससे आगे मेरे व्लॉग करने की ज़रा हिम्मत नहीं थी। सो अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाफ